I welcome you and we are going to study standard first mathematics and the chapter name is comparison. Yes? Can you see? Comparison. Comparison का मतलब होता है जब कोई दो चीज़ या दो से अधिक के बीच में कंपेयर किया जाता है, जैसे कि ये चीज़ बड़ी है और ये चीज़ छोटी है, ऐसे. So can you see? Here is a elephant and a rat is given. तो elephant is obviously bigger than rat. हाथी चूहे से बड़ा है. तो जब चीज़ें बड़ी होंगी तो हम उसको इंग्लिश में कहते हैं big. क्या कहते हैं? Big. और जब चीज़ें छोटी होंगी साइज में तो हम उसे बोलते हैं small. क्या कहते हैं? Small. तो B for big and S for small. तो छोटे, तो बच्चों अब आपके सामने यहाँ क्वेश्चन क्या दिया गया है. लुक एट द पिक्चर एंड राइट बी फॉर बिग एंड एस फॉर स्मॉल. नीचे दिए गए पिक्चर में से जो भी चीजें बड़ी हैं उनके लिए हमें लिखना है बी और जो चीजें छोटी हैं उनके लिए हमें लिखना है एस. लेकिन कहाँ? इन द गिवन येल्लो सर्कल्स. यस, जो भी येल्लो सर्कल दिए हैं इनमें हमें लिखना है. ओके, नाउ कम टू द पिक्चर. कैन यू सी दिस टू कोकोनट ट्रीज? यस. विच वन इज बिग? सो दिस वन इज बिग. ये बड़ा है हाइट में, इसीलिए इस पे हम लिखेंगे बी. एंड दिस वन इज स्मॉल. अब क्या है नेक्स्ट? क्लाउड्स. विच वन इज बिग? दिस. तो वी राइट बी, बट वेयर टू राइट? हियर. यहाँ आप लिखेंगे बी और यहाँ लिखेंगे स्मॉल. अब क्या है नेक्स्ट हमारे पास? बोट्स. ये बड़ा बोट और ये छोटा बोट. सो दिस वन इज बिग, सो वी राइट हियर बी फॉर बिग एंड एस फॉर स्मॉल. अब हमारे पास क्या है यहाँ पर? एक डॉल्फिन और एक फिश. दोनों में से कौन सी बड़ी है? दिस वन इज बिग एंड दिस वन इज स्मॉल. ओके, व्हाट इज नेक्स्ट? अगला क्या दिया है? सो कैन यू सी द टू डक्स आर देयर? सो विच वन इज बिग? कौन सा बड़ा है? दिस वन, ये वाला. सो हियर वी राइट बी फॉर बिग एंड दिस वन इज एस फॉर स्मॉल. ओके डियर स्टूडेंट्स,